चलिए जी, ने रिप्रोड्यूस जब तक आप कर रहे हैं, हम जो हैं वो आगे चलते हैं। और पहले पांच किसी ने भी नहीं रिप्रोड्यूस किया अभी तक। ओके, आई एम श्योर डेट यू आर टाइपिंग। मैं थोड़ा सा भी ओके जी, अपॉइंटमेंट टू सी, अरेंज टू मीट, ओके, बेस्ट इन बस गेट ऑन, कार गेट इन गेट डार्क, ग्रेट हो गया, ग्रेट। इंश्रा हादिया ने भी लिखा, ओके, आमना ने भी लिखा, जैनब ने लिखा, आकिब ने भी लिखा, ग्रेट। और खुबैब साहब अभी लिख रहे हैं गालिबन, सादिया साहिबा जो हैं वो अगेन नहीं लिख रही हैं। सादिया आप बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ चले जाते हैं। अच्छा जी, अब हम जो हैं वो प्रोसीड फर्दर करते हैं जी यहाँ से। अच्छा, ये एक्सरसाइज वाला मामला ना बड़ा नाजुक मामला है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अब देखिए ये एक्सरसाइज वाले ना समझ लीजिए। अच्छा ये मुझे बताएं, एक्सरसाइज एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? आसान सी बात करते हैं, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है एक्सरसाइज जो है वो? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हम एक्सरसाइज को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब ये जरा ना इसको ठीक करना है, ये मैंने आपको हिंट दे दी है, अब ने आपने इसको ट्राई करना है, ठीक करना है कि ना, बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शावर। जी पार्टिसिपेंट्स, बिफोर ब्रेकफास्ट आई डू एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शावर। ट्राई करें। आई डू एक्सरसाइज एंड देन हैव अ शावर। अच्छा जी, अब देखिए, जब आपने ये बताया कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अब अनकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि ये एक्सरसाइज है, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, अगर एक्सरसाइज जो है वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है तो वो हमारे पास प्लूरल में आएगी, आई डू एक्सरसाइजेज होगा। ठीक है, आई डू सम एक्सरसाइजेज होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किए कि जी आप एक्सरसाइज किया करें, ठीक है, आप एक्सरसाइज किया, किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि जी आप अपने बाजू की एक्सरसाइज किया करें, वो होगी स्पेसिफिक एक्सरसाइज, वो हो जाएगी काउंटेबल एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो हमारे पास स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, ये हमें सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि स्पेसिफिक एक्सरसाइज होगी वो हमारे पास एक्सरसाइज ही रहेगी, और अगर हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है, जेनेरिक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सरसाइजेज हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। अच्छा जी, अब इसको देखिएगा, जिस तरह से आई एडवाइज यू टू टेक एज मैनी एक्सरसाइजेस एज यू कैन। अब इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है कि क्या, पहले सिर्फ ये बताएं, क्या कोई किसी को कोई चीज रिकमेंड कर रहा है, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज की बात कर रहा है, ये जेनेरिक की बात कर रहा है, जनरल की बात कर रहा है, या कोई स्पेसिफिक की बात कर रहा है? आई एडवाइज यू टू टेक एज मैनी एक्सरसाइजेस एज यू कैन। जैनब को लग रहा है कि ये जेनेरिक है, सादिया को लग रहा है ये स्पेसिफिक है, बाकियों को क्या लगता है? वेरी गुड आकिब, वेरी गुड सादिया, वेरी गुड मानूर, एक्सीलेंट। यस,
जो आपको कोई एडवाइस दे रहा है ना, इट मींस कि वो आपको स्पेसिफिक रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो जहां पे एडवाइस देगा वो एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी, वो हमारे पास काउंटेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सरसाइजेस नहीं आएगा, एक्सरसाइज आ जाएगा, ठीक है, एक्सरसाइज आ जाएगा। ये एक्सरसाइज जो है ये मूवमेंट हो जाएगी कि किसी पर्टिकुलर बॉडी की। क्या रूल नंबर 11 क्लियर है? रूल 11 क्लियर है? इज इट क्लियर? इफ यस, फिर हम जो है वो रूल 12 की तरफ चलते हैं जी। ग्रेट हो गया जी, यू गाइज आर जीनियस कि आपने इसको समझ लिया। अब हमारी जो है वो प्रॉब्लम है एक्सपेक्ट को लेके। चलें एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिएगा। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी जी, पार्टिसिपेंट। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी। ट्राई करें, अभी बस ट्राई का चांस है। कुछ भी करें, कुछ भी गलती ढूंढें, उसको ठीक करें। अभी गलती करने की इजाजत है, एक्चुअल पेपर में इजाजत नहीं होगी, अभी यहाँ पे कर सकते हो। ट्राई करें। यू विल कम टू, ग्रेट, यू विल कम टू आमना सैरिस ने ट्राई किया। आई एम हैप्पी कि आमना ट्राई कर रहे हैं, गुड। अच्छा अब देखिए जरा, ये ना डेट नहीं आएगा सर, ठीक है। अच्छा ये देखें जरा, अब ना समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज होती है हमारे पास जो है वो है एक्सपेक्ट यू विल एबल टू कम, ग्रेट हो गया आके, ग्रेट। अच्छा एक चीज होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्ट। एक चीज होती है उसको हम कहते हैं होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा दोनों में ना फर्क है, फर्क पता क्या है? एक्सपेक्ट ठीक है, वो ट्रैवलिंग, उसको ट्रैवलिंग वो पसंद नहीं है, तो फिर क्या करूंगा मैं? एक्सपेक्ट करूंगा कि वो जो है वो किसी के साथ आएगा, ठीक है। कोई चीज रूनमा होने जा रही, नो वॉइस, ओके अभी ठीक है। क्या अभी आवाज आ रही है? लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट, अभी देख लेते हैं इसे। आई एम श्योर कि अभी ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अली है। अली ने कभी भी ट्रेवलिंग नहीं की, उसको बाइक चलानी नहीं आती है, ठीक है, उसको बाइक चलानी नहीं आती है। तो मैं जो है, मुझे जब एक्सपेक्ट जो है वो मैं वहां पे यूज करूंगा जहां पे मुझे पता है कि कोई चीज रूनमा होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। अब अली को मैंने एक पार्टी पे बुला लिया कि यार मेरे पास आ जाना, अफ्तारी मिलके करेंगे। अब अली जो है उसके बारे में मुझे पता है कि उसको मोटरसाइकिल या उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो किसी के साथ आएगा, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो किसी के साथ आएगा। आपकी सुबह जो है ऑफिस में जाते हुए अपने बॉस से झगड़ा हो गया, अपनी मैडम से जो है वो स्कूल में झगड़ा हो गया, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैडम जो है वो इसके कोई ना कोई नतीजा आपको जरूर देगी, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ रूनमा होने वाला है, ठीक है, रूनमा होने वाला है, कुछ ना कुछ तवक्का होने वाली है, ठीक है। तो क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है? एक्सपेक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये क्लियर है जहाँ पे आपको ये पता हो कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, कोई ना कोई चीज होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सपेक्ट। होप हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी किसी अंदरूनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं। जब हम किसी अंदरूनी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जो है वो पार्टी के ऊपर फर्स्ट
फॉर एग्जाम्पल जो है वो शादिया को छोड़ के जो इफ्तार पार्टी उस पर बाकी सब आए, क्योंकि शादिया ने चाय नहीं बनाई आप सबके लिए। सो ये मेरी होप हो गई, इट इज इनर डिजायर, ये ख्वाहिश है, ठीक है। अब ये जो इनर डिजायर है ये हम अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मुझे नहीं पता कि बाकी सब आएंगे या नहीं आएंगे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ये मेरी होप है। अब इस सेंटेंस में जो है वो आप अगर देखने की कोशिश करें, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी, ठीक है। क्या आपको लगता है कि इसमें वो कोई होप कर रहा है या इसके अंदर जो है वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा? आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी। इफ्तार पार्टी वेन एवर यू वॉन्ट, आप सब जब चाहें यू आर वेलकम। अच्छा इसी तरह से देखिएगा, एक और सेंटेंस देखते हैं। हर हस्बैंड डज नॉट लाइक ट्रैवलिंग। सादिया आई वॉज किडिंग, आपने परेशान नहीं हो जाना। हर हस्बैंड डज नॉट लाइक ट्रैवलिंग, सो आई एक्सपेक्ट शी विल कम ऑन हर ओन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? खुबैब गूगल मैप्स पे जाके लिखिए MOCC, द एड्रेस विल बी देयर, द मैप इज गोइंग टू रीडायरेक्ट यू। अच्छा जी, यहाँ पे क्या ये सेंटेंस क्लियर है? क्या ये सेंटेंस क्लियर है जी? समझ में आ गया ये? ठीक है, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये सेंटेंस ठीक है। ये करेक्ट है। क्यों यहाँ पे एक्सपेक्ट आएगा? इसलिए आएगा कि उसको पता है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, सो आई एक्सपेक्ट दैट ही विल कम ऑन आवर ओन। क्लियर जी? अगर ये क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। हम जो हैं वो अब डिस्कस करते हैं आखिरी जो है वो कुछ रूल्स में से एक रूल, उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर। हम जी फॉर को डिस्कस करते हैं, फॉर। अच्छा जी, अगर मैंने ये लिखा लाहौर इज फॉर फ्रॉम रावलपिंडी। अच्छा ये मुझे बताएं, ये सेंटेंस ठीक है? लाहौर इज फॉर फ्रॉम रावलपिंडी, क्या ये सेंटेंस ठीक है? ट्राई करें, कुछ भी हो सकता है। मैं बता दूं, हम फॉर का वर्ड जो है वो यूज करते हैं नेगेटिव सेंसेस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं किसका? फॉर को। पॉजिटिव सेंटेंसेस में लॉन्ग वे को यूज करते हैं, लॉन्ग वे, ठीक है, या अलॉन्ग वे को, ठीक है। तो क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है? अगर ये नेगेटिव है तो बताएं कि करेक्ट है, अगर नहीं तो इसको ठीक करें। लाहौर इज फॉर फ्रॉम रावलपिंडी। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? फॉर इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव से, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में लॉन्ग वे को इस्तेमाल करते हैं। इसको कोई ठीक कर सकता है? यस, ये पॉजिटिव है, लाहौर इज अ लॉन्ग वे इसमें होगा, ठीक है, अ लॉन्ग वे फ्रॉम रावलपिंडी जो है वो होगा, ठीक है। अच्छा फॉर जो है वो हम क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं। अच्छा जी, एक और चीज जो है, एक और हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये आसान है। अब हम जरा जो है आगे चलते हैं कुछ और क्विकली, बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब हम जो हैं वो रूल नंबर 14 पे चलते हैं, लेकिन अगली स्क्रीन लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास रूल नंबर 14। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा फीवर, फीवर जो है वो, ठीक है, एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे, और ये है जी आई हैज कॉच अ कोल्ड एंड हैज अ हाई फीवर। अच्छा जी ये मुझे बताएं, कोई इसको ठीक कर सकता है? आई हैड कॉट अ कोल्ड एंड हैड अ हाई फीवर। हाँ
हाई फीवर कोई वर्ड नहीं होता है जनाब, ये हाई फीवर नहीं होता है। जब भी किसी चीज़ का, किसी भी जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता है, कोई इल होता है, तो वो क्या कहते हैं, आई हैड कॉट अ कोल्ड एंड हैड अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर होगा ना कि यहाँ पे फीवर होगा। फीवर जो है वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कहीं पे भी नहीं यूज़ करना है। अच्छा, ये ना आप लोग ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे का पेपर लिखते हैं, जब बाकी चीज़ों पे लिखते हैं, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे ठहर ठहर के थोड़ा सा चलूंगा। करेक्शन पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप अपने नोट्स बना रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्लू। ठीक है, आई थिंक आई हैव काच अ फ्लू जी, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? आई थिंक आई हैव कॉच अ फ्लू। सी, एक कुछ समझ में आया? पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे गलती है, काच अ फ्लू, याद रखिएगा, कभी भी काट ऑफ फ्लू नहीं होता है। ठीक है, या तो ये होता है कॉट फ्लू होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा दरम्यान में, ठीक है, और द फ्लू होगा। ठीक है, कॉट द फ्लू होगा। ठीक है, ये अ जो है वो नहीं होगा, क्लियर है यहाँ पे? अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और अपना अपने जरा मेंटोर खुद बनते हैं थोड़ी देर के लिए, एक ऑनेस्ट सा खुद का ओपिनियन करते हैं। 15 जो है वो रूल्स आपने याद किए हैं, यू हैव लर्न सो फार 15 रूल्स, दिस टाइम यू आर सपोज टू इवेल्युएट योर सेल्फ। आप खुद जो है वो बताएंगे कि कितने जो है वो रूल्स आपको याद हो गए हैं। 15 में से जरा नंबर दें अपने आप को जल्दी से, क्विकली। 15 आउट ऑफ कितने देते हैं? ऑनेस्टली वाले नंबर देने हैं, गलत वाले नंबर नहीं देने हैं। ठीक है, अब हम ना आसान सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज करेंगे। आधी स्क्रीन होगी जी मेरी और आधी स्क्रीन होगी आपकी। अब हम इसमें ये करेंगे कि मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा कुछ सेंटेंसेस और आपने ना उनकी करेक्शन करनी है। आसान सेंटेंसेस होगी और हम हर सेंटेंस के जो विनर होगा ना उसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे कि उसका विनर कौन सा वाला है, किसने उसको ठीक किया। आकिब को, आकिब सिर्फ 8 हुए हैं, ओके। बाकियों को कितने हुए हैं? बाकी खुबैब किधर हैं? वे आर द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? इंशरा, जब्बार, राना किधर हैं? जैनब हैं, कहाँ चले गए हैं? आकिब साहब किधर चले गए हैं? और सादिया साहबा कहाँ चले गए हैं? सादिया मेरा ख्याल है कि चले, अच्छा हैं अभी सादिया जो है वो। सादिया आपको कितने हुए हैं? खुबैब जो है वो 7 हुए हैं। अच्छा चलें, ग्रेट, सादिया इज अ जीनियस। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट जी। पार्टिसिपेंट्स बताइए जरा क्विकली। वेरी गुड जी, ये लिखा हादिया ने। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, वन, और हादिया ने सबसे पहले लिखा। ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा जो है वो सेंटेंस जो है वो हम लिखते हैं। मैंने कहा मैं आसान सेंटेंसेस लिखूंगा। गिव मी सम ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग जी, गिव मी सम ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग कहते हैं जो चूसता है स्याही को, जो है ना, ब्लॉटिंग, गिव मी सम ब्लॉटिंग। अच्छा, ये ब्लॉटिंग जो होता है ना हमेशा जो है वो पेपर होता है, गिव मी सम ब्लॉटिंग पेपर होगा। ठीक है, नहीं, अ पीस ऑफ नहीं होगा, सिर्फ ब्लॉटिंग पेपर होगा। वी ऑल डिड नॉट गो जी, वी ऑल डिड नॉट गो। ये जो है वो आपने ठीक करने हैं और ठीक करके मुझे सबमिट करवाने हैं आपने। बोथ डिड नॉट गो, मैं इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ। राइट दिस इन योर कॉपी, ट्राई करेंगे इसको ठीक करने की। आई एम लर्निंग अ न्यू पोएट्री, ही इज अ टॉल जेंटलमैन। नंबर 8 के ऊपर जो है द दिस गलत करके सबमिट करवाएंगे, लेकिन करवा दीजिएगा। ठीक है,
हम इनको ठीक फिर करेंगे अगली क्लास में ना। दिस लेडी लिव्स नियर माई हाउस, नंबर 9 पे, ही इज माई कजन ब्रदर, नंबर 10 पे, दे दैट डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड। आई थिंक 10 ही बहुत होंगे आपके लिए, ठीक है? इनको ज़रा देख लीजिएगा, इनको आपने करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करेंगे कि आप जो हैं वो चीज़ों को प्रैक्टिस करें, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करें, और समझ की कोशिश करें कि इनको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? समझ के अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, अब जो है वो मैं ज़रा स्क्रीन थोड़ी सी देर के लिए स्विच करूँगा, और यहाँ पे आते हैं जी। ये मैं अक्सर आपको यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। आप जानते हैं कि ये आपकी जो है वो है डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बैच नंबर आपका 27 है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें अभी जो मैं बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा होता हूँ वो ये है, पहले नंबर पे तो यहाँ पे ये जो आपके पास इकोनॉमिस्ट ऑफ फॉरेन अफेयर है, बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं वो नहीं जानते कि यहाँ से ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, ये एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाती है। इसको डाउनलोड करके आपने वीकली बेसिस पे एक आर्टिकल सिर्फ इसमें से पढ़ना होता है, ठीक है? यहाँ पे ये देखेंगे कि आप जो हैं, ये एक वीडियो भी यहाँ पे बनी हुई है कि जिसको नहीं समझ में आता कि हमने कैसे इसको पढ़ना है, ये एक छोटी सी वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। ये APK फाइल है, मोबाइल में आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी, क्रैक्ड वर्जन है। ये फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स को अभी हम फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ इकोनॉमिक्स को कर रहे हैं, हालांकि दोनों को करेंगे हम जो है वो। इसके साथ एक और छोटी सी चीज़ थी, और वो चीज़ ये है हमारे पास कि इसी डिजिटल लाइब्रेरी में जहाँ पे आपके सारे के सारे बुक्स के नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे डिफरेंट जो हैं वो नोट्स अपडेट भी होते रहते हैं तमाम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। अभी जो है यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल है, मानो शेयर कर देंगे CSS रिसर्च आर्टिकल्स के नाम से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैटेगरीज हैं 21 to 31 March। आप जानते हैं कि हमने ये प्लान किया हुआ है कि हर मंडे को, फ्राइडे को और वेडनेसडे को, आई थिंक, मानूर अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे ठीक कीजिएगा, इन 3 दिनों में हम एक वीक के अंदर जो है वो 3 रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो हमारे जो है वो ऐसे में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? सो मंडे वाले दिन जो आर्टिकल रिकमेंड होता है, रिसर्च आर्टिकल, ये रिसर्च आर्टिकल जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। किसी के मिस भी हो जाए वो वीकली बेसिस पे जो है वो आके देख सकते हैं कि 10 to 20 मार्च के आर्टिकल्स यहाँ पे होंगे। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 2-3 आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। एक वीक में 3 आर्टिकल्स ये होते हैं जो कि पढ़ने होते हैं, ये वाले, ये इंग्लिश एसे में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? सैटरडे संडे वाले दिन जो होता है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक आर्टिकल रिकमेंड किया जाता है जो कि आपने वहां से पढ़ना है। डेली बेसिस पर जो है वो डॉन का एक आर्टिकल रिकमेंड किया जाता है जो आपने पढ़ना है। आई एम श्योर कि ये चीज़ें आसान है, अब समझ में आ रही हैं कि आर्टिकल्स जो हैं वो 3 आर्टिकल्स वो होंगे जो कि रिकमेंडेड होंगे यहाँ पे आएंगे, प्लस एक आर्टिकल इकोनॉमिस्ट का होगा, एक डॉन का होगा। ये आर्टिकल्स क्यों पढ़ने जरूरी हैं? ताकि इंग्लिश एसे के लिए जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकें। आज का जो आर्टिकल है वो यहाँ पे मैंने अपडेट किया, इसको देखना बड़ा आसान सा है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे अपडेट किया गया है। आपने देखा जो इससे पहले वाला हमारे पास जो है वो आर्टिकल वो उन्होंने शेयर कर दिए हैं, आज वाला भी वो शेयर कर देंगे। तो आपने इन आर्टिकल्स को जो है वो डेली बेसिस पे देखा करना, ठीक है? आज के वाला अपडेट कर दिया है और वो शेयर कर देते हैं। सो जी, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें थी सारी की सारी जो कि आपने देखनी थी। इन केस कहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, इंग्लिश ऐसे ही है प्लस सी के पेपर में, व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आप कर सकते हो उसे डेली बेसिस पे किया करें। सर वो क्वेश्चन मैंने फुल नहीं लिखे जी, मैं अभी स्क्रीन शॉट कर देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। कौन से वाले क्वेश्चंस की वजह से आप बात कर रहे हैं? ये वाले, इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए प्लीज। चलें जी, होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।
टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। मैंने आंसर ये क्वेश्चन पहुंचे चल रही हूँ कि आप सब जो है वो वर्क हार्ड किया करें। एक किताब पे हमारी बात होगी जो वॉलंटियरली रिकमेंडेड है उसके ऊपर जो है वो चले। थैंक यू सो मच, उस पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।